अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अंबर व्लॉग्स यूके में आप सबका वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और माशाल्लाह सुनाए, रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आप सबके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो यहाँ बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। बस बच्चे बेचारे बीमार हो जाते हैं ते नाल फिर रोज़ों का भी देखना पैंदा है, करना पैंदा है। बच्चों की भी लुक आफ्टर, घर के काम, सारा मिक्स एंड मैच। ज़बरदस्त तरीके की ज़िंदगी गुजर रही है। तो बस बड़ा बेटा थोड़ा सा बीमार हो गया, बस तो वो आराम कर रहा था। मैं क्या, चलो तन कुछ नूडल शूडल बना के दूँ। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी तबीयत डाउन थी सुबह, फिर हौली हौली तबीयत उन्हें माशाल्लाह ठीक हो गई। फिर माशाल्लाह मेरे साथ नमाज़ पढ़ी उन्होंने। मैं क्या, चलो तानू कुछ थोड़ा जहा नवा बना के दवा। मैंने फिर बच्चों के लिए ना ये ब्रेड ली, ब्रेड ये दो मैंने अंडे लिए, सोने जै अंडे सी, ते नाल ब्रेड नू कट वट के ना मैं उन्होंने अंडिया नू फेंट लिया। ते मैं ना उन्होंने ब्रेड नू अंडिया दे विच पा के, तो ब्रेड क्रम्स में मैंने डाल के फिर मैंने ऑयल में उसको फ्राई किया। तो आप ये बड़ा बड़ा मज़ा आया, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे बनाया, लेकिन बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मेरे बच्चों ने बड़ा लाइक किया। उसके साथ कैचअप या चिली सॉस किसी के साथ भी आप मतलब उसको सर्व कर सकते हैं, बड़ा नाइस टेस्ट आया उसका। तो बस जी कोई ना कोई काम जड़े ना बच्चों की वजह तो करी जाने हैं कि बच्चे हैप्पी हो के खा लें बस। तो बहरहाल जी बच्चों के साथ ये ऐसी एक्टिविटी करते रहना चाहिए। तो उसके बाद जी मैंने इधर से मीट का कीमा लिया हुआ था, मीट कीमा वो लेकर मैं जब घर आई थी तो मैंने इसमें सारी चीज़ें डाली, मिक्स की। मैं क्या कीमा, आ जा तेरा कीमा बनावा, आ जा तेनों मैं इन्ना मिक्स करा कि तेरा कीमा बन जाए। तो उसका कीमा अच्छी तरह मैंने मिक्स करके अपनी तरफ से मैंने पेशावरी कबाब बनाने की फुल एंड फाइनल कोशिश की थी। मैं क्या, छाड़ दो सारियां गल्लां, आज पेशावरी कबाब बनाने ही बनाने। और आप यकीन करें पेशावरी कबाब क्या पेशावर, कुछ भी नहीं, जो मैंने बना दिया ना ज़बरदस्त। मैं कहती हूँ इतना बड़ा वो प्लेट के अंदर मैंने लगाया, मुझे इतनी हंसी आई। मैं क्या, मैं वाह वाह अपने ना तरीके, अपने खुद ही तरीके अपने आजमाती रहती हूँ। तो बड़ा काफ़ी बड़ा बड़ा कबाब बनाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़े किया और बड़ा अच्छा बना। तो कई मैंने थोड़े से लंबे लंबे कबाब बना लिए, कई मैंने गोल गोल बना लिए, लेकिन बड़े नाइस माशाल्लाह। मैं अपने बड़े बेटे नू ना हर दफ़ा कहनी हुनी, बेटा ज़रा नमक चखना, नमक चखना। एक दफ़ा पता की होया, एनू मैं ना चावलों का नमक चखा दिया। मैं क्या, बेटा कि राइस का नमक तो चखो। तो उस टाइम मैंने कोई दो को चम्मच डाले होंगे, कहना मामा वेरी नाइस नमक। जो अफ्तारी टाइम राइस खा देते फिक्के, मैं क्या आज तो बाद तेरे ते ट्रस्ट नहीं मैं करना। हालांकि उसको क्या पता बेचारे को, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बताता रहता है, हेल्प करता रहता है मेरी। तो ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है, अफ्तारी हो गई मेरी उस टाइम, फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। आज का दिन जी मेरा किसी के घर समझे जाने था, और मतलब अफ्तारी देवर की तरफ थी। मैं क्या, आज अफ्तारी तो है मेरी छुट्टी, लेकिन कितने सुकून जिंदगी नू है। मैं क्या, अफ्तारी थी अपने घर से, अफ्तारी की छुट्टी तो मैं वेली क्यों रवा। बच्चों नू जगाया, तैयार किया, बच्चे स्कूल गए। मैं क्या, लग जा बई घर के कमां नू, बस जी घर के काम छेड़ लिए। छेड़ते 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 एक को करो तो दूसरा याद आ जाए, दूसरे को करो तो तीसरा। रोज़े मैं कहती हूँ बड़ा, मैं काम ना करूँ तो मुझे, मैं बीमार हो जाती हूँ। मुझे इतनी काम की आदत पड़ गई है कि मैं कहती हूँ हर टाइम घर क्लीन रहे ना, खुद ही दिल खुश होता रहता है देख के। तो बहरहाल जी मैंने किचन को सारा नाइस सोना निखार लिया। फिर जी टेबल की शामत आ गई, मैं क्या, आ जा टेबल तेनू क्लीन करा। फिर फूलों की शामत आ गई, ये फूल सारे जो हैं वो खिले हुए थे, उनके जो पत्ते थे ना वो बेचारे ना मुरझा गए, लटक गए सी। मैं क्या, चलो तनु ना फूलों तो अलहदा कर दा। तो फूलों को सॉरी कहा कि पत्तों को आपसे जुदा कर रही हूँ क्योंकि वो मुरझा गए थे। फिर मैंने पत्ते फेंक दिए, फूल बड़े प्यारे साए मैंने नाइसली ना उधर पे सजा लिए। तो बस फिर मैं, बच्चे कोई क्रिप्स खा लें कुछ खा लें, वो छोटी मोटी ना डस्ट जाती रहती है, सोफों को क्लीन किया। तो बाकी सारा घर क्लीन, मैं कहती हूँ ऐसा काम स्टार्ट। उसी दौरानिए में बच्चे भी घर आ गए, बच्चे मुझे देख के अपने घर अपने कमरे में लग गए, वो अपने किचन को डेकोरेट करते रहते हैं।
वो कहते हैं मामा आप आए, हम अपना किचन क्लीन कर रहे हैं, आप हमारा रूम क्लीन कर दें। मैं जिदो गई मैं क्या अल्लाह हू अकबर हो पुत्रो तुसी की कर छड़िया कमरे का हाल। लो जी मैं क्या चलो फिर कमरा हूँ क्लीन। बस जी फिर मैं ते कमरा क्लीन करन लग गई। कमरा क्लीन करदे करदे बच्चियां दा मैं कहनी इतना टाइम हो गया ना, तो बस मेरी एक आदत है मैं हर दूसरे तीसरे हफ्ते बाद ना इनके कमरों में इनके बेड को कभी इधर किया उधर किया सीधा प्रदा करके ना क्लीन करती रहती हूँ। बस जी उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट थी ऑप्टिशन पे, फिर उसके बाद मैंने उधर जाना था। मैं जल्दी जल्दी वहाँ गई हूँ, अपनी ग्लासेस कलेक्ट करनी थी वो कलेक्ट करके रेडी हो के फिर मैं आगे देवर की तरफ चली गई। हम सब चले गए, माशाल्लाह ये बच्चियाँ बड़ी प्यारी लग रही थी, स्कार्फ ले के दुपड़ा तो वेलकम बड़ा प्यारा करती हैं, तो ये बस हर वक्त कहती रहती हैं आंटी आई लव योर सूट आई लव योर बैंगल्स, बस यही करती रहती हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं माशाल्लाह। तो बड़ा नाइस माशाल्लाह खाना था, आपको पता है रमज़ान शरीफ की रौनकें और अफ्तारियों की रहमतें रौनकें खानों की रौनकें, बड़ा दिल खुश होया। अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करते हैं हर सांस के साथ माशाल्लाह। बस जी बच्चों ने माशाल्लाह सब बच्चों ने दुआ की, सूरतें पढ़ी माशाल्लाह उन्होंने, तो बड़ा प्यारा माहौल लगा कि बच्चे जो है ना वो फिर अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं, तो उनको देख के सुन के फिर मापियां दा दिल ते और खुश हो जाता है। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी अफ्तारी हो गई और बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो गया, तो बच्चे भी बड़े हैप्पी थे। तो बस फिर आपको पता है कि अफ्तारी की चीज़ें पड़ी हों तो बच्चों को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, उनको यही कहना ना ना अफ्तारी होने लगी पुत्र तो रुक जाओ तो बस ये बच्चे जो है ना वो एक दूसरे को देख रहे थे बस, और हमें देख रहे थे और हम बच्चों को देख रहे थे। तो व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा आप लोगों ने ख्याल रखना है और अफ्तारी के ऐन वक्त की दुआ अल्लाह ताला जो है वो रद्द नहीं फरमाते, तो ख़ास दुआ करनी है जब अफ्तारी का खसूसन टाइम हो तो सारे काम छोड़कर, तो बहुत सारी दुआ करनी है, दुआओं में सबको याद रखना है। अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह उल अज़ीज़ मैं एक नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। Thank you.